Hello students, welcome to my maths class for class 2. The topic today which we are going to cover is repeated addition and meaning of multiplication. So let us deal with repeated addition first. Let's see the meaning of repeated addition. You can see on the screen, when you add the number, same number, okay, when you add the same number over and over again, it is called repeated addition. यानी किसी भी एक ही नंबर को, किसी एक ही नंबर को जब हम बार बार प्लस करते हैं, उसको हम कहते हैं repeated addition. For example, इधर दिया हुआ है, देखिए 7 + 7 + 7, 7 को आपने कितनी बार प्लस किया है, 7 को हमने प्लस किया है 3 बार, है ना. 7 + 7 + 7, उसका आंसर हमारा आया 21. तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 7 जो है 3 के ग्रुप में हमने किया है. अगर इसको हम इनटू 7 भी करेंगे तो भी आंसर हमारा 21 आएगा. ये क्या हो गया, आपका एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया, ठीक है. तो अब आप देख सकते हैं कि हमने नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं 5 + 5 किया है. 5 + 5 क्या होता है, 5 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 10. ओके, तो अब ये आपको बता रहे हैं कि ये दो ग्रुप हैं, यानी ग्रुप कितने हैं हमारे यहाँ पे नीचे, 2 ग्रुप्स. देखिए एक ग्रुप ये हो गया 5 लोगों का और एक ग्रुप ये हो गया 5 लोगों का. इन दोनों को मिला के हमारा हो गया 10, ठीक है. इन दोनों को हमने मिला दिया तो आंसर आया हमारा 10. In the same way, you can see another example, like 4 + 4 + 4 + 4 + 4. ठीक है, अब आप देख सकते हैं 4 हमने कितनी बार प्लस किया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने 4 को जो है प्लस किया है. और आपका ग्रुप कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लोगों का ग्रुप आप देख सकते हैं, 6 लोगों का ग्रुप है हमारा इसमें. और आपके 4 का प्लस किया है, ठीक है, 1 2 3 4, लाइक द सेम, है ना. ये सारे जो हैं 4 के हमने प्लस किए हैं और ये 6 का ग्रुप है. तो आप देख रहे हैं कि हमने सेम नंबर को, है ना, यानी 4 को ही हमने बार बार प्लस किया है. इसमें 3 को प्लस किया है, इसमें 5 को, इसको 7 को, यानी आपका वही नंबर होना चाहिए जिसको आप प्लस कर रहे हो, ठीक है. इसको हम कहते हैं रिपीटेड एडिशन, ठीक है. अब नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, जब आप रिपीटेड एडिशन करते हैं, ठीक है, बार बार रिपीट करते हैं किसी नंबर को, सेम नंबर को बार बार प्लस करते हैं, उसको हम रिपीटेड एडिशन कहते हैं. तो जब एक ही ग्रुप होता है, है ना, सेम ग्रुप होता है, तो हम उसमें मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं ताकि आपका जो है आंसर जल्दी आ सके. तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज़ द फास्टर वे टू डू रिपीटेड एडिशन. यानी रिपीटेड एडिशन करने के लिए मल्टीप्लिकेशन सबसे फास्ट तरीका है. तो उसका सिंबल है एक्स, ठीक है. एक्स को हम मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के रूप में यूज़ करते हैं. अब देखिए एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है ना. मैंने 3 बार 4 को प्लस किया है, आंसर हमारा 12 आया है. इसको हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, 3 ग्रुप्स ऑफ 4 ईच आर 12, ठीक है, है ना. हमने इसको लिखा है 3 ग्रुप 4 लोगों का इक्वल टू 12. अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3 × 4 इज इक्वल टू 12, ठीक है. यानी 4 + 4 + 4 करा तब भी हमारा 12 आया. और इसको सिंपल करने के लिए, जल्दी करने के लिए हमने कर दिया 3 का ग्रुप 4 में, तो वो भी आंसर हमारा 12 आया. सो हियर यू कैन सी दैट मल्टीप्लिकेशन इज़ द बेस्ट वे टू डू रिपीटेड एडिशन. सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड.